यात्रा, जिसका अगर सुखद अनुभव करना है तो जगह, स्थान, साधन, दिन और रिजर्वेशन करना ही होगा। और ध्यान रखना होगा कि आप अपनी डेस्टिनेशन पर ही उतरें। साथ ही अगर आपको अपने जाने वाले साधन जैसे ट्रेन का नंबर, सीट नंबर, टाइम और स्टेशन मालूम हो तो यात्रा आसान हो जाती है और अपनी यात्रा का आप आनंद ले पाते हैं। उसने पहले अपनी जगह, साधन को चुना, फिर रिजर्वेशन करवाया और अपनी यात्रा का अब आनंद ले रहे हैं। सेफ शॉप प्राइवेट लिमिटेड की गाड़ी में होके सवार लेकर डायमंड शिप के अचीवमेंट का रिजर्वेशन ले रहे हैं, अपनी आर्थिक संपन्नता की यात्रा का आनंद। लीडर योगेश कुमार शर्मा। अपने खेतों में हल चला, अपने बच्चों और पत्नी श्रीमती उर्मिला के साथ रहीमपुर भरतपुर राजस्थान में रहते श्री प्रकाश चंद शर्मा। इन्हीं के घर 4/11/1977 को जन्म हुआ इनकी पांचवी और सबसे छोटी संतान योगेश का। दो बेटे और तीन बेटियों के पिता श्री प्रकाश चंद ने अपने सबसे छोटे बेटे की शिक्षा के लिए गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल रहीमपुर में दाखिला करा दिया, जहां योगेश ने अपने बालक मन में शब्दों का ज्ञान सीखा और अपने भविष्य की नींव रखी। 6 से 8वीं तक की शिक्षा के लिए शहीद रामबाबू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचकर आगे की शिक्षा ली। मास्टर आदित्येंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल को चुना 12वीं तक की शिक्षा के लिए। 12वीं पास की, महारानी श्री जया कॉलेज की राह पकड़ी, जहां बीए और एमए हिंदी से पास की। पढ़ाई के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करते, पर नौकरी में चयनित ना होने पर एमए पॉलिटिकल साइंस से करना शुरू किया। इसके साथ अपने गांव में एक प्राइवेट स्कूल खोल लिया। अब उद्देश्य था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, स्कूल में मेहनत और लगन से अध्यापन करना लक्ष्य बनाया। साथ ही पिता के साथ खेतों में मेहनत करना। स्कूल अच्छा चल रहा था, आय भी सही थी, तो माता पिता का आशीर्वाद लिए 19/2/2000 में राजबाला के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। समय के साथ बेटे शांत और तृप्ति के पिता बने, तो खर्च बढ़ना ही था और साथ ही स्कूल के बाद खाली रहते। पल्स नामक कंपनी ज्वाइन कर काम करने लगे और समय की रफ्तार में बह निकले। गली गली स्कूल खुले तो पहले स्कूल से साथ छूटा। उसके बाद 2014 में पल्स कंपनी बंद हो गई तो सब कुछ खत्म था। अब लोगों का विश्वास योगेश के ऊपर से टूट गया और योगेश पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर हो गए। पर 2015 में फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। साहब सिंह जी ने सेफ शॉप का प्लान दिखाया, विश्वास नहीं हुआ। कुछ समय बाद सेफ शॉप का सेमिनार देखा, वहीं पहली मुलाकात हुई सतपाल सर से। उन्होंने सेफ शॉप के बारे में समझाया और फॉर्म भरवा लिया, पर योगेश ने 3 माह तक ज्वाइन नहीं किया। फिर हुआ फॉलोअप, मित्रता के नाते सेफ शॉप को ज्वाइन करना पड़ा, पर पुरानी कंपनी का डर बार बार परेशान करता तो काम नहीं कर पाए। एक दिन अचानक गांव से भरतपुर जाना हुआ मां के साथ, वहीं सतपाल सर ने घर पर बुला लिया माताजी से मिलना है ये कहकर। घर पहुंचे तो सिलसिला शुरू हुआ सेफ शॉप और सिस्टम का। मां को सब कुछ समझ आया तो मां ने भी हिम्मत दी, तो योगेश के मन में भी
एक आशा की किरण ने जन्म लिया, तो काम करते। मैं खुद को तोड़ बैठा हूँ, मुझे खुद से जोड़ दे या रब। मैं रास्ता भूल बैठा हूँ, कोई तो मोड़ दे या रब। पग पग है अंधेरी गलियां रे, कोई तारा तो चमका दे। हर सपना गिर गिर टूटा रे, रब जीना तो सिखला दे। मौका मिला दिशा ट्रेनिंग जाने का। सफर पर सो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा। रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंद आ, रुकना तो बंद आ, राह पे चल बंद आ। डरना तो बंद आ, रुकना तो बंद आ, राह पे चल बंद आ। 2 माह में कुछ लोगों से मिले, कुछ ने मना किया तो कुछ साथ आए। लगभग 15 लोगों की टीम बनी। सतपाल सर का साथ था तो थाईलैंड का टारगेट अचीव हुआ। इन्हीं के सानिध्य में योगेश अपनी टीम को मजबूत कर रहे थे। 2017 में पत्नी की तबीयत खराब हुई तो जयपुर से कभी गुड़गांव, कभी गुड़गांव से दिल्ली, तो दिल्ली से फिर जयपुर। शहर दर शहर भटकते और पत्नी का इलाज कराते। एक समय ऐसा आया कि पत्नी एक वार्ड में भर्ती थी और दूसरे वार्ड में पिता की भी तबीयत खराब हो गई। जिंदगी के लगभग 1.5 साल निकल गए बीमारी और अस्पताल में, साथ ही लगभग 14 लाख रुपए खर्च हो गया। हाथ खाली हो गए तो वापस अपने काम पर ध्यान दिया, पर टीम बिखर चुकी थी तो कुछ हताश बैठ गए थे। तो दोबारा टीम को संभाला और उनको फिर से फील्ड में लेकर काम करना शुरू किया। 2020 में कोविड ने रोक लिया। जैसे ही उससे बाहर निकले तो पिता की मृत्यु ने योगेश को कमजोर कर दिया। तब टीम अपलाइन और परिवार ने आगे बढ़ने में मदद की और योगेश ने अपने आप को टीम, सेफ शॉप और अपनी मंजिल के लिए समर्पित कर दिया। और आज सेफ शॉप प्राइवेट लिमिटेड की वजह से अपना लैपटॉप, मोबाइल, विदेश यात्रा और अपनी गाड़ी वेन्यू को खरीद कर अपनी सुविधाओं के साथ आनंद में जीवन जी रहे। उम्मीदों के आसमान पे सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर लगा के वक्त से आगे जाते हैं। जो सबको दे सबसे सबसे।